156 साल से जिस रेलवे स्टेशन को आप मुगल सराय के नाम से जानते थे, बस चंद घंटे बाद उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से जानेंगे। नाम बदल चुका है, बदला हुआ नाम लिखा जा चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, स्थानीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे और बीजेपी के लाव लश्कर की मौजूदगी में जैसे ही ये पर्दा हटाया जाएगा, वैसे ही मुगल सराय जंक्शन गुजरे जमाने का नाम हो चुका होगा। मुगल सराय का नाम बदला जाएगा, ये तो करीब साल भर पहले ही तय हो गया था। ये भी तय हो गया था कि मुगल सराय का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय इसी मुगल सराय जंक्शन के रेलवे यार्ड में खंबा नंबर 722 के पास मृत अवस्था में मिले थे। मगर अब नए जंक्शन के तौर पर इसका आज उद्घाटन होना है। नए नाम के साथ ही यहां से एक नई ट्रेन एकात्म एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्टेशन को गेरुआ रंग से पेंट किया जा चुका है, फूल माला से स्टेशन सजा दिया गया है। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब नए नाम की औपचारिक घोषणा होगी और मुगलसराय नाम वक्त के गुजरे पन्ने में सिमट जाएगा।